हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आशा करी भलो आसो, सुस्थ आसो एवं नियमित जो लेक्चरगुलो दिच्छी सेगुलो शुनछो। गतकाल के आमी टेंसेर उपर एकटा क्लास नियेछिलाम, आज के टेंसेर एकटी रिव्यू क्लास आमी नेब। तोमरा मनोयोगेर साथे देखो, शुनो एवं प्रैक्टिस करो। आसो, टेंस गतकाल के टेंसर उपर साधारण आलोचना कर प्रेजेंट टेंसर उपरे, तो एक स्लिप अप टांग भार्वर तीन प्रकार, भार्वर तीन रूप है, टेंसर तीन रूप ना, भार्वर तीन रूप। अच्छा, तो कल के जगू तुम्हारे पढ़े प्रेजेंट टेंसर उपरे, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस। क्यों राइट यूज बार करते हैं, बुझते हैं, चिंते हैं, तुम्हारा आसले पढ़स कि ना चिंचो कि ना, सेटार ऊपर हमें एक क्लास निच्छी। देखो, हि ऑफन कम हियर, प्रेजेंट टेंस एखे एक भूल आफन थे सब्जेक्ट थे, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर है ऑफन थे बारो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो कम्स हो। कल के बोलिए यूजुअलि जेनारेलि तरह ऑफनो हो, हि ऑफन कम्स हियर, ऑफन थे बारो साथ एस बस ऑफन कम्स है, ये सब कम्स हियर। दो नम्बर, दि सन राइज इन द ईस्ट, सब्जेक्ट दि सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर, राइजर साथ राइजेस, दि सन राइजेस इन द ईस्ट, दि सन राइजेस इन द ईस्ट। आसल ख्याल करसो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर मानी एक जन बुझाइले सिंगुलर बुझाइले तक बार फ्रे एस बस, जमन एखे हि आसे ऑफन कम्स है। तीन नम्बर, शी मेक ए कार्डिगन, देखो शी थार्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर, शी मेक जगह मेक्स है, ये सब एक शी मेक्स ए कार्डिगन। तो अने के भूल कर मन थके बार बार चेष्टार माध्यम चर्चार माध्यम प्रैक्टिस माध्यम ये आसाय थक बुझते पर। इट रेन नाउ, देखो इट रेन नाउ हमें पढ़ाई बुझे नाउ थे प्रेजेंट कन्टिन्यूस, तक सबजेक्टर पर एम इज आर बार बेसा आई एन जी, नाउ नाउ थे वो वाक्य मना करते हैं जो प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस, तक एम इज आर, इट इज बार बेसा आई एन जी रेनिंग, आई एन जी रेन, इट इज रेनिंग नाउ। एपर देखो, दि डग बार्क एट दिस मुमेंट, एट दिस मुमेंट प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस, एट दिस मुमेंट आज प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस, तेल दि डग इज हो, इज बार्किंग बार बेसा आई एन जी हो, दि डग इज बार्किंग एट दिस मुमेंट। तेमनि देखो, माई अंकल जस्ट अराइव, माई अंकल जस्ट अराइव, जस्ट बोलेछिलाम जस्ट थाकले प्रेजेंट परफेक्ट, जस्ट थाकले प्रेजेंट परफेक्ट, तहले माई अंकल, तो प्रेजेंट परफेक्ट आछे नियम कि सब्जेक्टेर परे हैव हैज, माई अंकल हैज जस्ट बारबार पर पास्ट पार्टिसिपल हबे अराइवड, माइ अंकेल हेज जस्ट अराइवड। खेल करो, जस्ट थे बुझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तक सबजेक्टर पर हैव हेज बसा और बारे पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, माइ अंकेल हेज जस्ट अराइवड। तो देखो, दे अलरेडी रीच होम, दे अलरेडी रीच होम, अलरेडी आसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अलरेडी थे बुझते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एगुलो तुम्हारा मुखस्त रखे, कल के जेटा देखिए से मुखस्त रखे। तेल सब्जेक्ट पर हैव हैज, दे हैव अलरेडी बार बार पास्ट पार्टिसिपल रीच्ड, इडी है, दे हैव अलरेडी रीच्ड होम। ही साफर फ्रम फीवर फर ए उइक, ही साफर फ्रम फीवर फर ए उइक। देखो, कल के पढ़ाई फर ए उइक, फर टू डेज, फर थ्री डेज, सिंस मर्निंग, सिंस इविनिंग, एगुलो थाकले प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस होले ताहले सब्जेक्टर पर हैव बीन, ताहले हियर पर हैज बीन, हि हैज बीन, बारे तो आई एन जी साफारिंग, हि हैज बीन साफारिंग फ्रम फीवर फर ए उइक। आबार ख्याल करो, सिंस ए उइक, सिंस मर्निंग, सिंस इविनिंग, फर ए उइक, फर टू डेज, फर थ्री डेज, फर एन आवर, एगुलो थाकले प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस, तखन सब्जेक्टर पर हैव बीन, हि हैज बीन, बारफ्रे आई एन जी साफारिंग फ्रम फीवर फर ए उइक। तब नम्बर देखो,
the boy study since morning. ये since morning ऐसे since evening since morning तर present perfect continuous tense subject पर have been ताले the boy has been बार बार शब्द आयेंगे studying study ing studying the boy has been studying since morning the boy has been studying since morning जेतु since morning ऐसे अब देखो what he do now now तक present continuous tense एम इजर व्हाट इज हि प्रश्न बोध बाइक के एम इजर आगे बसे व्हाट इज हि बार फिर आई एन जी डुईंग नाउ नाउ थे प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस सब्जेक्ट पर एम इजर जेहतु प्रश्न बोध बाइक एम इजर आगे आसें व्हाट इज हि बार फिर आई एन जी व्हाट इज हि डुईंग नाउ आशा कर बुझते आरोप देखो हि ओपेन कम्स कम हि कम्स सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर बार फिर इज हो दि सान राइज आशा राइजेस She makes away. It rain now. Now takle M is R I N G. It is raining now. The dog bark at this moment. At this moment as a present continuous tense. The dog is barking at this moment. My uncle just arrived. That is just as a present perfect tense. My uncle has just barber past participle arrived. They already reach home. तो ऑलरेडी ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे हैव सब्जेक्ट पर हैव एज दे हैव ऑलरेडी रीच्ड बार बार पास्ट पार्टिसिपल रीच्ड होम ही सफर फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक देखो फॉर ए वीक ऐसे इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सब्जेक्ट पर हैव बीन हैज बीन ही हैज बीन सफरिंग बार बार शब्द आएंगे सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक द बॉय स्टडी सिंस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग एज ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट पर हैव बीन दि बॉय हैज बीन बार बार शब्द आई एन जी स्टार्टिंग सिंस मॉर्निंग व्हाट ही डू नाउ नाउ थे एम इजर आई एन जी तेल व्हाट इज ही जेहतु प्रश्नबोध वाक्य एम इजर आगे आसें सब नाउ थे एम इजर आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एम इजर आगे आसें व्हाट इज ही बार बार शब्द आई एन जी डुईंग नाउ व्हाट इज ही डुईंग नाउ आशा करी बुझते बार बार देखले तुम्हें तो ये बुझते पर मने रखे एंड ये अनेक गुरुत्वपूर्ण जिनिस अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय जो अनेकगुलो समस्या समाधान करते टेंस विभिन्न दिक ग्रामार विभिन्न दिक बुझते आज के पर्यन्त ही आल्ला हाफेज़।